के जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग। मैं गई थी दिशा आई हॉस्पिटल फॉर आई चेकअप, फिर वहाँ पूरा दिन निकल गया हमारा, बट बहुत अच्छा चेकअप होता है एंड वहाँ आई से रिलेटेड हेल्पफुल फैक्ट्स थे जो मैंने कैप्चर किए। फिर हो गई शाम, तो चलिए चलते हैं घर। एज ऑलवेज इंजॉय जर्नी। आने के बाद पता चला नारियल आया हुआ है, तो सोचे नारियल के लड्डू विंटर सीजन में थोड़ा ट्राई करते हैं, गुड़ वाला देखते हैं कैसा बनता है और सबका रिव्यू लेते हैं। सो देखिए आगे कैसे बनता है नारियल का लड्डू। काफ़ी डिलीशियस बना था, सब लोग बहुत तारीफ किए, सो आप भी अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। नारियल के ऊपर के पूरे छिलके को छिल लेना है और उसको मतलब पूरा जो वाइट वाला है उसका लड्डू बनाना है। लिटरली ये बहुत मेहनत का काम था, और जब आपको ज़्यादा अमाउंट में बनाना है, जब आपकी फैमिली 30 लोगों की हो, तब तो मतलब सोने पे सुहागा है। और हाथ बचा बचा के करना है, हाथ कटने के बहुत चांसेस है, और मिक्सर में पीस वगैरह के बनाने से वो टेस्ट ही नहीं आता है। तो सो आप ऐसे ही कीजिए, थोड़ा मेहनत करके बनाइए। बनाते बनाते बीच में बच्चों की मस्ती भी चल रही थी, तो सोचे वो भी कैप्चर कर ले। करो डांस करो। दुआ। ये भी हमारे घर के हिसाब से कम था, बिकॉज़ हमारे घर में बहुत लोग हैं और ये बन के बहुत कम हो गया था। फिर भी सब लोग थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर ही लिए,
मतलब एक लड्डू सबके नसीब में चला गया और कहाँ कहाँ दूर दूर तक भी चला गया। ये है ग्रीन कार्डिमम, छोटी इलायची जिसके अंदर का जो पोर्शन होता है, बीज जो होता है उसका मैं पाउडर बनाने की कोशिश कर रही थी, बिकॉज़ हमारे घर में पाउडर उस टाइम अवेलेबल नहीं था। फिर ये गैस ऑन कर रही थी, गैस ऑन करने के बाद जैसे ही ये जो पैन है वो गर्म हो जाएगा, उसमें असली घी डालना है। असली घी, दिस वन इज़ असली घी। जितना आपके पास अमाउंट है उस हिसाब से आप डालें। और ये मैंने डाला कार्डिमम जो पाउडर था वो, ज़्यादा नहीं एकदम थोड़ा सा डालना है, लिटिल बिट। फिर कोकोनट इसमें डाल देना है और इसको अच्छे से पूरा भूनना है जब तक कि वो ब्राउनिश कलर पे ना आ जाए। फिर ये मैं डाल रही थी, पता चला लास्ट में मेरा पैन छोटा हो गया, फिर मैं उसको फिर बड़े पैन में ट्रांसफ़र करना पड़ा। और मेरे दिन भर दिसाई हॉस्पिटल में जाने की वजह से लेग में इतना ज़्यादा पेन था कि मैं नीचे बैठ के बना रही थी, लेकिन बनाने का एक जज्बा था कि बनाना है, एनी हाउ बस बना रही थी। और ये है गुड़ जैगरी। फिर मैं एक साइड नारियल भून रही थी उसको ब्राउनिश कलर होने के लिए, और ये दूसरी तरफ थोड़ी से पानी में मैंने गुड़ को डाल के चढ़ा दिया था कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए। और ये देखिए लिक्विड फॉर्म में वो आ चुका है, लेकिन उसमें थोड़े जले जलेपन की वो एक स्मेल टाइप आती है, तो उसको हम लोग वो जो स्मेल है उसको ठीक करने के लिए मैंने यहाँ पे वैनिला एसेंस यूज़ किया है, जिससे आपकी जो उसमें स्मेल थोड़ी बहुत भी आती है वो एकदम फ्रेश हो जाए और पूरा एकदम गुड़ वाला स्मेल आए। और मैंने यहाँ पे शुगर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि शुगर हमारी सेहत के लिए एकदम भी अच्छा नहीं है। सो अवॉइड शुगर, फुल गुड़ में खाना है नारियल के लड्डू। वैनिला एसेंस जो है एकदम कम अमाउंट में ऐड करना है, जैसा कि मेरे पास 1.5 kg गुड़ था इसीलिए मैंने एक ढक्कन डाला। आप उसमें कुछ ड्रॉप्स ही डालेंगे तो वो एकदम जो जले की स्मेल है वो चली जाएगी, सो उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, एकदम थोड़ा सा बस। और ये हाथ भी कट गया था, वो शो करना तो ज़रूरी था ना। एंड देन ये नारियल भी रेडी था और गुड़ भी, तो दोनों को मिक्स करना है गर्म गर्म वो भी, और मिक्स करके अच्छे से पूरा अपने अमाउंट के हिसाब से देख के अंदाज लगा लेना है, अनुमान लगा लेना है कि और चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर ऐड करना है अगर ज़रूरत पड़े तो। और फिर इसको गर्म गर्म ही गोल गोल लड्डू करना है, वरना उसके बाद वो नहीं होगा। और मेरा हाथ तो इतना जल रहा था, फिर मेरी मम्मी मेरी हेल्प कर रही थी, बट ये वाला बहुत टफ था भाई, एकदम गर्म गर्म पूरा हाथ में मेरा रेड रेड हो जा रहा था। रेडी, खा लो खा लो लड्डू खा लो। वन इज फॉर माय डैडी, चलो रिवील करते हैं, खा के देखिए कैसे है। सच का तो इसको दिदंगे बोले थे बनाया है। और ये बहुत ही टेस्टी लड्डू है जो मेरी आपी ने मेरे लिए बनाया है। ओह वाओ, क्या मजा आ रहा है इसे खाके। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस फॉर मी। वेलकम वेलकम। कैसा है? ठीक है। लड्डू खाओगी? क्या खाओगी? ओ बाबा, वाओ क्या मजेदार लड्डू है।
सर्च करोगी क्या? बहुत तारीफ कर रहा है कि ये मिठाई है। सच में ना? सच में अच्छा लग रहा है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के बच्चे। सच बोलना, ओवर गिरी कर। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बहुत। सच में अच्छा लग रहा है, अभी तक हम टेस्ट नहीं किए। सच बोल रहा हूँ। तब छुट्टी में खा के बताइए कैसा लगा आपको। अच्छे तरीके से बनाएंगे, प्यार से बनाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया। कैसा लगा दादी? देखने जा रहे हो? अच्छा। देखने जा रहे हो? बहुत अच्छा लगी। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ज्यादा अच्छा नहीं है, टेस्ट अच्छा है। चलो कुछ नहीं, लेकिन हम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? हाँ बना सकते हैं। बना सकती है, इतना अच्छा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा वीडियो। अगर जो भी कमी लगी हो तो ज़रूर बताएं, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, टेक केयर।